नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। हम ये जितने भी सीरीज में अपने सुनाते हैं आप सभी को कि किन चीज़ों को खा करके आप किन बीमारियों को दूर कर सकते हैं, इससे हमारा प्रयास ये होता है कि आप हर रोज़ खाना तो खाते ही हैं, तो क्यों ना ऐसी डाइट लें जो आपकी सेहत के लिए बेनिफिशियल हो। बैलेंस डाइट से रिलेटेड आपको अगर नॉलेज होगा कि हाँ, हमें ये खाने से ये मिलता है शरीर में, इस चीज़ को खाने से ये चीज़ें मिलती हैं और इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम, तो आप खाने को बैलेंस करके खाएंगे, क्योंकि आपने खाना तो हर रोज़ है ही, और किस बीमारी में किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है और कौन सी बीमारी में किन चीज़ों का सेवन करना है। इसी तरह से आज हम जो औषधि लाए हैं वो मूली है। जी हाँ, पाइल्स यानी कि बवासीर एक बेहद ही कष्टदायक रोग है। इसमें मूली खाना बेहद ही फायदेमंद होता है। किस प्रकार से, आज के हमारे इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। मूली खाने के बहुत से फायदों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं पाइल्स की रोकथाम के लिए मूली से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मूली के नियमित और सही इस्तेमाल से पाइल्स की समस्या को कुछ महीनों में दूर किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मूली के नियमित सेवन से पाइल्स की समस्या बढ़ती भी नहीं है। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के विशेष हिस्से में हर समय दर्द और जलन बनी रहती है। पाइल्स के मरीजों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो इसका जिक्र अपनों से तो क्या डॉक्टर से भी नहीं करते हैं, बल्कि कहें तो डॉक्टर से भी बताने में कतराते हैं। पर यह गलत है। डॉक्टर से सलाह लेकर उसका सही इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। दवाइयों के साथ इस घरेलू उपाय से कुछ ही दिनों में आपको इस समस्या से राहत मिल सकती है। पाइल्स के मरीजों को अक्सर मूली खाने की सलाह दी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मूली में डाइट्री फाइबर्स पाए जाते हैं जो स्टूल को मुलायम करने में मदद करते हैं, इससे पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। मूली में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इस दौरान होने वाले दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मूली ठंडक देने का काम करती है, जिससे जलन में भी राहत मिलती है। पाइल्स के मरीजों को कच्ची मूली का ही सेवन करना चाहिए। आप चाहें तो इसे घिस कर खा सकते हैं या फिर इसका रस निकाल कर भी पी सकते हैं। मूली के रस का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आप चाहें तो इसके रस का इस्तेमाल संक्रमित जगह की जलन को शांत करने के लिए भी कर सकते हैं। अब तो बाजार में मूली का पाउडर भी आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो इसके पाउडर को भी प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आप बाजार से कुछ भी खरीद कर प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो मूली की पत्तियों को छाया में सुखाकर घर पर ही इसका चूर्ण बना लें। एक महीने के नियमित सेवन से आपको फर्क नजर आने लगेगा। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए मूली के फायदों से रिलेटेड जानकारी लेकर के आए थे। अपने अगले अंक में जुड़ेंगे एक और नई बीमारी से जुड़ी हुई जानकारियाँ कि कैसे दूर कर सकते हैं या फिर एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।